Just close your eyes and let them. Good morning guys, welcome back to Indian Mom Studio. तो मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बोला था ना कि आज कर्टेन आएंगे घर पर जो मैंने बनने के लिए दिए थे, तो कर्टेन लेकर ये लोग आ चुके हैं। बस हम लोग देखेंगे कि डलने के बाद कैसे लग रहे हैं, इनका साइज़ वगैरह, फिटिंग वगैरह, मतलब कैसा हुआ है ओवरऑल। तो सबसे जो मेजर क्वेश्चन मुझे उस दिन आया था वो ये था कि मैंने एसी वेंट के लिए किस टाइप का कर्टेन बनवाया है। तो अभी मेरे हाथ में जो है वो एसी वेंट के लिए ही बनवाया है मैंने, जहाँ पर हमारा एसी लगा हुआ है। तो ये कुछ इस टाइप से है कि रॉड है, रॉड के साथ वेलक्रो है, वेलक्रो से ये कर्टेन अटैच रहेगा और जब आपको वॉश करना हो तो आप इसे निकाल कर इस तरीके से वॉश भी कर सकते हो। तो जहाँ पर हम एसी, विंडो एसी, खास तौर से विंडो एसी की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ विंडो एसी लगा रहता है तो वहाँ के आसपास की जो विंडो होती है वहाँ से ना कहते हैं रोशनी आती है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लगा लेते हैं या मेरी तरह से स्प्रिंग में मैंने जैसे कपड़ा लगाया हुआ है ये लगा लेते हैं, लेकिन इससे ना इतना अच्छा लुक नहीं आता। तो जब मैंने इस बार कर्टेन बनवाने का सोचा अपने बेडरूम के लिए तो मैंने ये बात भी उनसे शेयर करी थी, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया क्यों ना आप यहाँ पर रोमन ब्लाइंड लगवा लीजिए। तो इनका जो स्पेशल नाम है वो है रोमन ब्लाइंड और ये इस तरीके से कुछ फिट हो जाता है, बीच में से आपको विंडो एसी दिखाई दे ही रहा होगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, लुक बहुत अच्छा आता है। जैसे कि पहले जो स्प्रिंग में मैंने ऐसे टांगे हुए थे विंडो को ढकने के लिए, उससे बहुत बेटर लुक हमें इससे मिल गया। लेकिन इसके लिए उन्हें ड्रिल करना पड़ा क्योंकि इसकी एक स्पेशल जो रॉड होती है वो भी लगेगी इधर विंडो पर और फिर उस पर ये रोमन ब्लाइंड फिक्स होंगे। तो हमारा जो एक रॉड थी वो बिल्कुल वॉल से चिपकी हुई थी, तो वो रॉड को भी उन्हें आगे बढ़ाना पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि दोनों रॉड एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए, आराम से खुलने में आसानी रहे। तो वो थोड़ी सी रॉड का जो था वो आगे की तरफ उन्हें ड्रिल करना पड़ा और ब्लाइंड को उन्होंने पीछे की तरफ कर दिया। तो इस तरीके से दो रॉड लगी हैं, एक रॉड तो सिर्फ विंडो पर ही लगी है जिस पर रोमन ब्लाइंड लगेंगे और दूसरी रॉड को उन्होंने थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया है। अगर आप इस तरीके का अरेंजमेंट अपने लिविंग रूम के लिए सोच रहे हैं तो इसमें डिजाइन भी बनवा सकते हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे मोर का, लीफ का, एलिफेंट का, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन होते हैं जिसमें आप मोती का काम करा सकते हो, कहते हैं स्टोन वर्क करा सकते हो, तो लिविंग रूम में ना चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ पर कर्टेन भी बनकर आ गए हैं। कर्टेन में इन्होंने स्पेशल एक अटैचमेंट दिया है पीछे की तरफ, आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिक का कुछ, तो इसमें ना आप फिक्स कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, जितनी आपको प्लेट्स डालनी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि जब आप कर्टेन डालते हो तो कुछ लोगों को प्लेट्स बहुत पसंद होती हैं कर्टेन में, तो उन प्लेट्स को बनाए रखने के लिए यहाँ पर कुछ अटैचमेंट हैं जिससे अगर आप फिक्स करोगे तो प्लेट्स जो हैं वो परमानेंट फिक्स रहेंगी और वो हिलेंगी नहीं वहाँ से, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये बनाया है, पीछे इन्होंने लाइनिंग भी दी है तो काफ़ी हैवी लुक आ रहा था कर्टेन का। ज़्यादातर मेरे बेडरूम की जो सेटिंग है वो ब्लू कलर की रहती है और वो इस वजह से भी रहती है क्योंकि प्रशांत को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उनका लकी कलर भी है, तो वो बेडरूम में हमेशा ब्लू कलर ही पसंद करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने नेवी ब्लू और ऑफ वाइट या क्रीम कह सकते हो, मैंने कुछ इस टाइप से कर्टेन बनवाए हैं और इसके साथ बेल्ट भी बनकर आई हैं। अगर आपको पूरा दिन कर्टेन डालकर नहीं रखने हैं, साइड में रखने हैं कर्टेन, तो आप इन्हें इस तरीके से बेल्ट के साथ फिक्स कर सकते हो। तो वॉल में भी इन्होंने ड्रिल किया हुआ है और उसके साथ अटैचमेंट लगाया है जिसमें ये फिक्स हो जाएगा। Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall, when the snow begins to sing. तो ये तो रहा कर्टेन वाला काम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सोफे के कुशन कवर्स के लिए भी बात करी थी उन्हीं से, तो मैं कुछ कुशन कवर तो मैं लेकर आई थी रेडीमेड और कुछ मैं बनवा रही हूँ जो कि बस मार्केट में मिलते नहीं है उस साइज़ के। तो यहाँ पर ना ये कपड़ा लेकर आ गए थे मेरी पसंद का जो मैं सेलेक्ट करके आई थी, साथ में मशीन भी घर पर ही ले आए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मशीन साथ में लेकर आए, यहीं पर काटेंगे, यहीं पर सिलेंगे और क्या कहते हैं हमारे सामने ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पर मेरे पास दो सेट ही हैं जिसका मुझे कवर चेंज कराना है और इस बार मेरा सोफे का थोड़ा लुक चेंज करने का दिल था। दो साल से मैं, दो से ढाई साल हो गए सेम सेटिंग देखे हुए और थोड़ा सा डस्ट भी पकड़ लेता है इस तरीके से,
तो वैसे तो दिवाली पर हर साल क्लीन होता है, लेकिन फिर पता है चेंज ना होना जब तक घर में तो मज़ा नहीं आता। हालांकि ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं, लेकिन ये भी ना बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो सैटी के लिए जो मैंने कपड़ा सेलेक्ट किया है वो है गोल्ड और येलो टिंट में। तो हल्का सा इसमें येलोइश टिंट है, और लेकिन बहुत ही प्यारा सा कलर है, क्योंकि इस बार जो कर्टेन मैं चेंज कर रही हूँ अपने लिविंग रूम के, वो भी कुछ कुछ इसी से मैच करते हुए हैं। और यहाँ पर सैटी एक तैयार भी हो चुकी है। कैसी लग रही है? बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन मज़ा आ रहा था। और पता है उसके बाद जब मैंने कुशन कवर चेंज करे ना, तो और भी ज़्यादा ना रौनक बढ़ गई थी। तो दिवाली पर यार यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस अब दिवाली की वाइब्स आ चुकी हैं मेरे घर में, और इसे देखकर तो आप लोगों के घर में भी आ जाएंगी अब दिवाली की वाइब्स, क्योंकि अच्छा लगता है यार। दिवाली बस है ही ऐसा त्यौहार, दिवाली से पहले भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो अच्छा लगता है सारे त्यौहार अच्छी वाइब्स के साथ बनाओ। तो यहाँ पर क्या है कि ये सिलाई कर रहे हैं, और मैं कुशन भी दिखाऊंगी आपको। देखो कुशन भी तैयार हो गया पीछे। ये वाले के लिए मैंने कुशन बनवाया जिसमें पहले फ्लावर प्रिंट था, अब प्लेन कर दिया इसको। तो बाकी के जो कुशन है, आप लोग सोच रहे होगे वो चेंज नहीं कराओगे आप, वो सब मैंने चेंज करने की सोच लिया था ऑलरेडी। तो मैं रेडीमेड ही खरीद कर ले आई थी, एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था। बस ये तीन कुशन कवर मुझे थोड़ा तंग कर रहे थे, जिनके लिए मुझे स्टिच करवाना पड़ा। और ओवरऑल मैंने जब लुक बदला तो बहुत अच्छा लगा था, डलने के बाद मुझे बहुत पसंद आया। और मैं तो आप लोगों को दिवाली पर ही दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत तो सरप्राइज रखना भी चाहिए। यहाँ पर कपड़ा बच गया था, तो कपड़े का सोचा क्या करें क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कॉफी टेबल के लिए एक छोटा सा रनर भी बनवा लेते हैं, मैचिंग में डालेंगे तो दिवाली पर अच्छा लगेगा। हेलो दोस्तों, तो सुबह से अब फुर्सत मिली है आप लोगों से बात करने की। सुबह से कुछ ना कुछ लगा हुआ ही था, और आज मैंने बोला भी था आप लोगों को कि कर्टेन लगाने के लिए आएंगे, तो वो लोग कर्टेन लेकर आ गए थे। ऐसे ही बज रहे थे, 2:30 के करीब बज रहे होंगे, बस हम लोगों ने लंच ही किया था और वो कर्टेन वगैरह लेकर आ गए। तो कर्टेन्स जो थे वो बस मुझे डलवा कर देखने थे कि उनकी जो साइज वगैरह है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कहीं छोटे ना रह जाए, और पढ़ने के बाद कैसे लग रहे हैं, लुक वगैरह देखने के लिए मैंने कर्टेन डलवाए थे। अदरवाइज तो मैं इनको, मैंने इधर रखे हुए हैं अभी कर्टेन, इसके अंदर है एक्चुअली, वो एक्चुअली जमीन में नहीं रखे हुए हैं, वो एक बॉक्स है जिसमें रखे हुए हैं। तो सारे कर्टेन उतरवा लिए मैंने, अभी तो क्लीनिंग होगी घर की, तो सफाई वगैरह में सब गंदे हो जाएंगे, तो अभी तो टाइम भी है दिवाली को। और मैंने तो आपको बताया ही था कि मैं धीरे धीरे शुरुआत कर देती हूँ 2-1-2 महीने पहले से, जिससे कि दिवाली आने तक थोड़ा थोड़ा मेरी तैयारी होती रहे साथ के साथ, तो यही चलता रहता है। तो ये कर्टेन एक ऐसा काम है जिसमें टाइम भी काफी लग गया। आपको याद होगा जिस दिन मैं कर्टेन का ऑर्डर देने गई थी, आज से 10 से 12 दिन पहले देने गई थी मैं कर्टेन का ऑर्डर, तो 12 दिन तो लग गए, यानी कि मैंने सही टाइम पे सही काम करा लिया। अब मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे कर्टेन्स का क्या होगा, कर्टेन बनकर आ गए हैं, लुक वाइज भी अच्छे लग रहे हैं, वो एसी वाला जो जैसे बनाना था वैसे ही बना है, और अच्छे लग रहे हैं मेरे को। तो फिलहाल तय करके अब इनको हम स्टोर कर देंगे किसी भी स्टोरेज में, बेड बॉक्स में जगह है, बेड बॉक्स में रख देंगे। तो जैसे ही वो लोग गए, उन्हीं शॉपकीपर से हम लोगों ने कुशन के कवर भी लिए थे, मैंने उस व्लॉग में आप लोगों को ये भी बताया था, हम लोगों ने कुशन के कवर लिए, लेकिन 3 ऐसे कुशन थे जिनके कवर नहीं मिल रहे थे, उनके सिलवाने थे, तो वो लोग सिलाई मशीन लेके यहाँ पे आ गए। बड़ा अच्छा लगा मेरे को, घर पे सिलाई मशीन लेकर आ गए, जल्दी जल्दी फटफट फटफट सिल भी दी उन्होंने। ये 3 कुशन कवर सिले, 2 सैटी के कवर सिले, और फिर कपड़ा बच गया था। वो कपड़ा बचा हुआ देख के लगा कि यार इसका कुछ यूज करते हैं, तो ये जो सेंटर टेबल है कॉफी टेबल हमारी, उसके लिए मैंने ये रनर बनवा लिया एक, जो कि उस सेट के साथ बड़ा प्यारा लगेगा। तो ये सारा काम हुआ है आज, और फिर थोड़ी देर पहले वो लोग गए थे, उसके बाद आज शाम की चाय भी नहीं पी पाई क्योंकि दूध जो था वो फट गया आज। पता नहीं कैसे दूध फट जाता है आजकल, दूध फट गया, जबकि मुझे लग रहा है वो पुराना दूध था शायद, इसी वजह से फट गया। खैर जो भी रीजन था, दूध तो फट गया और मिल्क पाउडर जो था वो खत्म हो गया है, बचा नहीं है इतना, तो चाय तो आज मिली नहीं है। सुबह की चाय मिल्क पाउडर से ही बनी थी और शाम की मिली नहीं है, लेकिन और हेडक हो गया क्योंकि इतने सारे काम आप जल्दी 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 करते हो ना, क्योंकि सारा सेटअप पहले करके देखा फिर उतार के रखा क्या बताऊं, बस छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि जब आप करने लगते हो ना तब आपको पता चलता है कि हाँ काम यहाँ पे फैल गया, वहां फैल गया, फिर वो यहाँ से गए तो पूरा ये क्लीन करा एरिया, क्योंकि सब में धागे और कपड़े वपड़े बिखरे पड़े हुए थे। और वैसे उन्होंने बहुत जल्दी काम कर दिया था, 1-1.5 घंटे में मेरे ख्याल से सारा काम करके वो निकल गए थे अपना। तो आज का दिन बहुत बहुत अच्छा था, वैसे आज का दिन मजा आया, पूरा दिन बिजी रहे हम लोग, और
काम भी होता रहा। और मुझे इस बात की खुशी है कि दिवाली आने से पहले जो चीजें हैं वो मेरी तैयार होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी तो अक्टूबर का पूरा मंथ है हमारे पास, तो अक्टूबर मंथ में जो चेंजेस करने हैं थोड़े बहुत वो चेंजेस करूंगी, साथ में उनके मैचिंग की जो चीजें लानी है वो लेकर आऊंगी। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मुझे दिवाली पर बहुत हैप्पीनेस देती हैं। ऐसा लग रहा है इन चीजों को देखकर के जैसे कि दिवाली की वाइब्स आ गई है घर में। हालांकि अभी दिवाली बहुत दूर है, काफी सारे लोग नीचे लिखेंगे, लेकिन पता है क्या है कि ना प्रिपरेशन अगर पहले से करके रख लो ना, तो बाद के जो कुछ दिन होते हैं जैसे कि दिवाली से 2 हफ्ते पहले, आप खुशी खुशी अपने और कामों को टाइम दे सकते हो। ये नहीं कि बस इस बात की हड़बड़ी रहती है कि ये कराना रह गया, वो कराना रह गया। और फिर शौक वाली बात भी है, जैसे कि मुझे और प्रशांत को शौक भी है इन चीजों का, तो यही रीजन है। खैर अभी मैं डिनर प्रिपेयर करने जा रही थी, तो आज मैं पूछ रही थी इन लोगों से क्या बनाऊं डिनर में। कशिश से तो नहीं पूछा मैंने, खैर कशिश मुझे पता है कि वो मना कर देगी इसे खाने के लिए, लेकिन खा लेगी, जब मैं बना लूंगी तो खा लेगी। ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाए, मतलब जब अगर आप उससे पूछो तो वो अपनी स्पेशल डिशेस बताने शुरू कर देती है कि मम्मी ये बना दो वो बना दो, लेकिन अगर ना पूछो तो तुम जो भी बना देते हो उससे आराम से खा लेती है। ऐसे चिक चिक नहीं करती कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, ऐसे नहीं करती। तो अभी मैं क्या बनाने वाली हूँ, हाँ लौकी चने की दाल, ये प्रशांत ने दिया है मुझे ऑप्शन। मैं वैसे लौकी बनाने वाली थी, वो बोलते नहीं लौकी चने की दाल बनाओ, तुमने बहुत दिनों से बनाई नहीं है, तो वो बनाती हूँ और साथ में बनाती हूँ चपाती। ये तैयार करना है, अभी डिनर प्रिपेयर करना है। लंच बोल रही थी क्या मैं इतनी देर से, सॉरी अगर मैंने लंच बोला है तो डिनर प्रिपेयर करना है, चने की दाल और लौकी और रोटियां गर्मा गर्म, अच्छी लगती है वैसे खाने में। और मैं पता है आप लोगों को भी एडवाइस करूंगी यार कि अगर आप दिवाली के लिए कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो घर में, जैसे कि मैं सोफे के कवर चेंज करना चाह रही हूँ, तो ये सब चीजें ना पहले से ही स्टार्ट कर दो, अक्टूबर से तो कर ही दो। या वाइट वॉश करानी है आपको, कुछ ऐसे जो बड़े बड़े वाले काम नहीं होते हैं वो तो पहले से ही करवा लीजिए। एंड में ना फिर दिवाली की जो रौनक होती है ना उसे देखने में अच्छा लगता है। हालांकि इस साल तो कोई दिवाली की रौनक नहीं होने वाली, क्योंकि आपको तो पता ही है जो हालात चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम घर घर में तो खुश हो ही सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से तो मिल ही सकते हैं, तो दिवाली उनके साथ तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना, तो उसी में मजा आ जाएगा। भले ही सड़कों पे इतनी रौनक ना रहे, मुझे नहीं लगता इस बार सड़कों पे इतनी रौनक रहेगी दिवाली की, पहले तो क्या रौनक होती थी। इस बार तो मुझे दिवाली तो छोड़ो, पहले उससे पहले नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों में मैं हर साल डांडिया खेलने जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है डांडिया खेलना, और मैं और दीदी भी गए थे लास्ट ईयर, याद है आप लोगों को। और इस साल तो पता है हमारे पास नई चनिया चोली है, और वो भी गुजरात की, क्योंकि दीदी गुजरात जब घूमने गई थी तो चनिया चोली मेरे लिए भी लाई थी और अपने लिए भी लाई थी, तो वो हम लोगों ने ये सोच के संभाल के तय करके रख दी थी कि अब इसे हम नवरात्रे पे पहनेंगे जब हम लोग डांडिया जाएंगे। और वो ऐसे की ऐसी कवर में रखी हुई है, उनको मौका ही नहीं मिलेगा पहनने का इस साल, तो कहाँ जाएंगे यार। मुझे नहीं लगता कोई फंक्शन भी होगा इस टाइप का, और हुआ भी तो कौन भीड़ में जाएगा, कौन ये रिस्क उठाएगा इतनी भीड़ में जाने का। तो इस बार तो वो चनिया चोली बेचारी ऐसे ही रहेंगी, अगले साल उम्मीद करते कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बल्कि इस साल के एंड तक ही सब कुछ अच्छा हो जाए, भगवान करे अगला साल बहुत अच्छे से निकले सबका। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल लौकी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 1 कटोरी के करीब चने की दाल, जिसे मैंने आधा घंटे के करीब सोक करके रख दिया है। अगर सोक करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस इसे बनाते समय ज़्यादा बेसन ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब ये लौकी होगी जो मैंने छोटी छोटी चॉप कर ली है, बहुत छोटी छोटी। और इसके साथ मैंने एक ग्रीन चिली ली है, एक बड़ा टमाटर ले लिया जिसे बारीक चॉप कर लिया है, यहाँ पर 2 अनियन है जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए है। तो अब इसे बनाते हैं कुछ मसालों के साथ और एक अच्छा से तड़के के साथ। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप चाहो तो अपना मनपसंद कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को अच्छे से मैं गर्म होने दूंगी और जब इसमें धुआं छूटने लगेगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो तेल
हमारा पक चुका था और धुएं भी निकल रहे थे, तो मैंने इसमें डाल दिया एक तेजपात का पत्ता और एक चम्मच जीरा। तो अभी मैंने सिर्फ यही ऐड किया है और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें प्याज। प्याज को थोड़ी देर भूनना है। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो प्याज हमारी यहाँ पर हल्की ब्राउन भुन चुकी है। अब मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर एक बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ है, वो भी ऐड कर दिया है। साथ में ऐड करिए ग्रीन चिली। तो तेज पत्ते से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी दाल में, इसीलिए मैंने डाला है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, खुशबू के लिए है ये। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है। चने की दाल और लौकी जो है ना बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स है। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो कलर लेकर आती है आपके खाने में, और जो देगी मिर्च होती है वो तीखापन ऐड करती है। तो मैं दोनों को मिक्स करके रखती हूँ अक्सर। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टी स्पून के करीब, और हाफ टी स्पून के करीब ही हल्दी। बहुत ही बेसिक मसाले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि घर का स्वाद आना चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल भी होटल स्टाइल या ढाबा स्टाइल नहीं, एकदम घर का स्वाद जैसे हम घर में बनाते हैं अपने। बहुत ही टेस्टी बनती है, स्टिल बच्चों को भी पसंद आएगी। तो मसाला चेक कर लेते हैं कि भुन चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर ना मसाले ने छोड़ दिया है घी या तेल, जो भी आप बोलें, हल्का हल्का तेल दिख रहा है। तो मसाला जो है भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल जो कि हमने सोक्ड अप करके रखी हुई है, और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लौकी। मसाले के साथ लौकी और चने की दाल मिक्स कर लिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, लगभग एक ग्लास के करीब ऐड करूंगी, थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि चने की दाल गलने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए पानी थोड़ा ज्यादा ऐड कर रही हूँ। और अब इसे ढककर छोड़ देना है विसल लगने के लिए। सोक्ड दाल है तो आप 4 विसल लगा लीजिए, और अगर सोक्ड नहीं है तो थोड़ी ज्यादा लगाइएगा। जब 4-5 विसल आ जाएंगी तब बंद करूंगी, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो जब तक दाल पक रही है ना तब तक मेरी रोटियां भी बन जाएंगी। तो दाल तो अच्छे से बन चुकी है और गल भी गई है दाल, तो बस अब इसमें तड़का लगा लेते हैं अच्छा वाला। तो जनरली तो मैं तड़का लगाती हूँ देसी घी में, लेकिन आज देसी घी घर में है नहीं, खत्म हो गया है। तो फिलहाल मैं इसमें तड़का लगाऊंगी बटर का। बस बटर का जो तड़का होता है ना उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वरना जलने का थोड़ा डर रहता है, कहीं बटर जल ना जाए। इसी वजह से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक एक करके मिक्स कर रही हूँ। अभी जैसे हीट होगा ना बटर, वैसे ही ये भुन जाएंगे इसके साथ। तो मैंने खड़ी लाल मिर्च, जीरा डाला है, और हींग डाली है, और गार्लिक डाल दिया है बारीक कटा हुआ,
और इसी के साथ प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज तो यहाँ पर भुनने लगी है, अब मैं इसके साथ डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, बहुत थोड़ा सा अमचूर, ये ऑप्शनल है। अगर इस तरीके से बटर के साथ हम फ्राई करते हैं ना तो जलने के चांसेस कम रहते हैं। ऊपर से मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा करे। तो यहाँ पर हमारी चने की दाल लौकी बनकर तैयार है। चलिए गाइस, मैं एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ डिनर और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, कल मिलते हैं फिर आपसे। चलिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।